राधा बेटी, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, अब कोई काम ऐसा नहीं करना। अब तो मैंने अपने आप को अपने नसीब के हाथों सौंप दिया पिताजी। बेटा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि धनराज तुम्हें हर तरह का सुख देगा, किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। क्या वो मुझे मेरा मुआन दे सकता? ओफो राधा, अब तो तुम किसी की पत्नी बनने जा रही हो, इस तरह की बातें नहीं करते। ठीक है, यही करूंगी। क्या बात है, आप लोग अभी तक गए नहीं? पृथ्वी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। अरे शादी तो हो गई, अब क्या बात करनी? सुना है कि तुम मेरे पति पर मुकदमा चलाने वाले हो। हाँ, वो तो चलाने वाला हूँ। क्यों? कमाल, जिस आदमी ने तुम्हें इतना तड़पाया, क्या उसे उस बात की सजा नहीं मिल गई? तड़पाया तो तुमने भी बहुत है मुझे पृथ्वी। जमीन जायदाद पर धोखे से दस्तखत करा के हथिया लिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जिस लड़की की शादी मेरे बेटे से होने वाली थी, उसकी शादी अपने बेटे से करा दी। मेरे पति को मेरी शादी की झूठी खबर देकर तुमने हमेशा के लिए उनको उससे जुदा किया। क्या तुम्हें अपने पापों की सजा नहीं मिलनी चाहिए? और भी कुछ कह रहे तो बकौल जल्द से जल्द यहां से दबा हो जाओ। और भी कहना है, अगर तुमने मेरे पति पर मुकदमा चलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तुम्हारा पति वहां पे एक औरत के साथ रंगरलिया मना रहा है। खबरदार, अगर तुमने मेरे पति के बारे में कुछ भी कहा तो ना तो तुम उनके बारे में कुछ कहोगे ना मुकदमा चलाओगे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर तुम पछताओगे। चल गौरी। कुछ करना ही पड़ेगा। दुलारी, दुलारी, अपने जेठी को विस्की का दूसरा ग्लास बनाकर दे। पहला वाला ग्लास पसंद है। मुझे तो मैं देख लूंगा। माँ, हमें तो वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अरे जरा तेरी बात कर, शायद तेरे पिताजी सोए होंगे। गौरी, माँ, क्या हुआ माँ? गौरी, माँ, माँ, क्या हुआ? गौरी, मैं जा रहा हूं और इस बार हमेशा के लिए। अब मैं सोचता हूं मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था।
मैंने पहले तो तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ से जाकर दुख दिया और बाकी की जिंदगी वापस आकर तुम्हें दुखी करके जा रही। मैं जानता हूँ मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि तुम तो क्या, भगवान भी मुझे माफ नहीं कर सकता। आज समझ लेना कि तुम्हारा पति मर गया, तुम विधवा हो गई। गौरी बेटा, तुमने तो कहा था घर का सारा काम काज तुम करोगी। हम ही करते हैं डॉक्टर चाचा। और सीता देवी टोटल बेड रेस्ट करेंगी। हमने तो इनसे कहा था कि धनराज भैया की शादी पे मत चलो, लेकिन फिर भी गई और इसलिए बीमार हो गई। सीता देवी, सिर्फ दवाइयां आपकी बीमारी का इलाज नहीं है। अगर आप तंदुरुस्त होना चाहती हैं तो आपको आराम भी करना चाहिए। डॉक्टर चाचा, माँ को दवा खिलाने की जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, मगर इनके आराम की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। देखो बेटा, हर इंसान अपना जिम्मेदार खुद होता है। अगर सीता देवी अपने आप को नहीं संभालेंगी तो मेरी दवाइयां भी कुछ काम नहीं करेंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मैं कल आ जाऊँगा देखने। गौरी बेटा, कुछ तो पता करो कि तेरे पिताजी कहाँ गए। लक्ष्मी से कहो कि वो ही कुछ पता करे। माँ, अब पता करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? वो पहले भी चले गए थे, अब भी चले गए। जैसे हमने जिंदगी के 20 साल उनके बगैर गुजारे हैं, जिंदगी के बाकी साल भी उनके बगैर गुजार लेंगे। ये कहना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, लेकिन लेकिन पति के बगैर दो बच्चों को पालना कितना मुश्किल है ये मैं जानती हूं। मेरा दर्द मैं अकेली महसूस कर सकती हूं और कोई नहीं, ना मेरा पति और ना ही मेरी औलाद। किसी बात नहीं है माँ, तुम्हारा दर्द हमारा दर्द है। हमने जो कहा वो शायद हमें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते, हमने कभी तुम्हें इतना कमजोर नहीं पाया। हम क्यों जाएं लक्ष्मी मामी के पास मदद मांगने के लिए? हम क्यों उनसे जाके कहें कि हमारे पिता को ढूंढ दीजिए? हमेशा भैया को हमें इतनी हिम्मत से पाला, वो हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। जिस उम्मीद के सहारे जी रहे थे वो उम्मीदें टूट गई है। अब तो जीने का मन भी नहीं करता। मत भूलो कि तुम्हारे दो बच्चे भी हैं जिन्हें तुम्हारी आज भी उतनी जरूरत है जितनी पहले थी। जा पुरुषोत्तम से कहो कि मोहन को फोन कर दे कि वो वापस आ जाए। अब हमें किसी की तलाश नहीं। हम फोन करके आते हैं। तुम्हें भी तो यहां से जाते हुए बहुत दुख हुआ होगा ना जनार्दन? तुम तो अपने बेटे को देखे बगैर ही चले गए, लेकिन अच्छा किया। शायद और रुक जाते तो जा ही नहीं पाते
कम से कम एक परिवार को तो सुखी रख सकोगे। आपके बगैर माँ ने हमें कैसे पाला, कैसे पढ़ाया, क्या क्या तकलीफें सही, ये सिर्फ हम जानते हैं। आज के बाद अगर तूने मेरी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तेरा ये हाथ तेरे जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। मुझे पता लग गया कि तूने किस तरह मेरी, मेरी बीवी और मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह की है। सीता, मेरी दूसरी शादी हो चुकी है और मेरी दूसरी पत्नी बंबई में मेरे साथ रहती है। सीता, बीस साल इंतजार की आग में मैं जलती रही और जब इंतजार खत्म हुआ तो पता चला कि मेरा पति किसी और का पति बन गया है, किसी और के बच्चों का बाप बन गया है। भाई साहब, भाई साहब, बहुत देर से आप ऐसे बैठे हैं, कहाँ जाना आपको? मुंबई। वो देखिए सामने बस खड़ी, वो मुंबई जाएगी और ये आखिरी बस है। धन्यवाद। भाई साहब, ये आपका बैग। शुक्रिया। चलो कोई है क्या बॉम्बे जाने वाला? अरे बॉम्बे जा रही गाड़ी, वो ड्राइवर साहब जाने दो, चलो। सूरज, तेरे पर्स में कितने पैसे? भैया जितने मिले थे उतने ही है, खर्च हुए नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूँ कितने पैसे? एक मिनट। तीन सौ भैया। अरे 300 से क्या होगा यार, इससे शाम थोड़ी ना गुजरेगी। भैया पापा भी घर पर नहीं हुए ना, उनसे ले लेते। एक काम करते हैं, माँ से ले लेते हैं, अभी उन पे हमारा इंप्रेशन भी अच्छा है। माँ, माँ, भैया मैं भी साथ आ रहा हूँ, रुको। माँ, माँ, दयाशंकर, दयाशंकर। हाँ जी। माँ किधर है? बीबी जी तो मंदिर गई है ना जी, मोहन बाबू के साथ। मोहन बाबू गया भाड़ में, सीधा सीधा उसे मोहन को, मोहन समझे? पूरा बाबू, जो मोहन है कौन जे बात तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन जे जरूर जानती हूँ कि जो कोई भी है वो है बड़ा खास। मतलब जे कि बीबी जी ने आप दोनों का कभी इतना ख्याल नहीं रखा जितना मोहन का रखती। हाँ पता है कल रात मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि ये मोहन खिड़की के पास बैठा रो रहा है, उसके बाद बीबी जी आई, उसने बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, उसके बाद भगवान की कसम बीबी जी खुद आई रसोई घर उसको पानी देने के लिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ी लगती है। कैसी गड़बड़? यही कि ये मोहन कहीं बीबी जी का ही बेटा तो नहीं है? तो ठीक है, जब तुम्हारी समझ में ये बात आ जाए कि तुम्हारी माँ जी मोहन से इतना प्यार क्यों करती हैं, तो मुझे भी आके खबर कर देना, मैं भी बड़ी परेशान हूँ। भैया, हमें पता करना चाहिए और हमारे घर पे आके क्यों हुआ? अरे छोटे बाबू आप, कुछ चाहिए था तो मुझसे कह देते, मैं आपके कमरे में लेती आती। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने भाइयों जैसा नहीं हूँ समझी, इसलिए याद आए अपने पास ही रखा। वो तो मैं जानती हूँ कि आप अपने भाइयों जैसे नहीं हैं, अभी तो आप गोरे हैं, मेरे ख्याल से आपको तो अभी बाहर की हवा तक नहीं लगी। क्या बकवास कर रही हो तुम, मैंने कहा ना मैं अपने भाइयों जैसा नहीं हूँ, इसलिए अपने घटिया
दिया नखरे अपने पास ही रख, मुझे मत दिखा। कोई बात नहीं छोटे बाबू, जब तुम पे भी जवानी आएगी ना तो तुम भी अपने भाइयों की तरह हो जाओगे और तुमको भी कोई गंगा पसंद आ जाएगी। फिर वो गंगा इस घर की नौकरानी नहीं होगी, तुम एक नौकरानी हो और नौकरानी की तरह बिहेव करो, समझी? कोई हक नहीं तुम्हें हमारे घर के मामलों में दखल देने का। मैंने ऐसा क्या कहा जो तुम जयपाल बोल रहे हो? मोहन मैया के खिलाफ तुम मेरे भाइयों को भड़का नहीं रही थी? क्या ये हमारे घर के मामला में दखल देना नहीं है? अच्छा तो तुम चुप चुप के सुन रहे थे, तब क्यों नहीं आए सामने? है, है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता। चलो इतना ख्याल तो है बेचारी नौकरानी का। तुम बेचारी नहीं हो, नहीं हो तुम बेचारी, वरना मुझे तुमसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। माफ कर दो, हमसे कोई गलती हो गई है, हम शर्मिंदा हैं।